गाड़ी का जो आपने सारा काम कराया कैसा लगा आपको? गाड़ी का बहुत मस्त लगा यार काम। काम की चीज को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो एक बार आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ हमारी जो नई वाली शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रही है, एक बार लाल भाई हमारे साथ हैं आज दोबारा से। लाल भाई एक बार बताओ दोबारा से क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। एक तो हमने ये सबसे पहले फोगलम और फोगलम डीआरआर और आईपीएच के फोगलम नया प्रोजेक्टर है वो चीज़ हमने लगाया है। ठीक, कौन सा? आईपीएच का। तो देखिए ये देखो, चेकआउट कर लो, ठीक है। डीआरआर लगाया साथ में, दोनों दूसरी साइड भी लग चुका है ना। दूसरी साइड भी देख लेते हैं। ये सबसे बेस मॉडल है स्विफ्ट का, नई वाली जो स्विफ्ट है उसका बेस मॉडल है और इसके अंदर आप इसे चेकआउट कर लो, ठीक है। प्रोजेक्टर की शाइनिंग देख रहे हो कितनी बढ़िया आ रही है। और क्या है इसमें लाल भाई बताएंगे। अच्छा, पावर विंडो भी लगी है इसके अंदर। हमने पावर विंडो अभी जैसे फिट होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे अभी इसके जो पार्ट है वो अलग अलग रखे हैं, जब चेक पूरे होंगे तो मैं आपको चेकआउट करा दूंगा कैसे लग रहा है। एक अच्छा ये नीचे वाला भी लगवाया है, एक बार ये चेकआउट कर लो डिफ्यूजर। ये शो के लिए होता है ना ओनली? ये शो के लिए, लोग कहते हैं हमने सामने बम्पर में कैमरा नहीं लगाना है, जैसे कंपनी लगा के दे रहा था। अच्छा। हमने इसमें कंपनी से जैसे कंपनी कैमरा आता है ना, हमने ये कैमरा इसमें लगाया है। 360 वाला है ना? हाँ, 360 वाला है। 360 वाला स्टीयरिंग इधर काटते तो अपना भी मुड़ता है ना, जिधर गाड़ी घूमेगा उधर कैमरा, उधर ये वाला कैमरा जो है मूव करेगा अपना। एक बार इसे चेकआउट कर लो, ठीक है। तो अभी हमारे जो संजय भैया हैं वो डैम्पिंग का काम कर रहे थे। डैम्पिंग का काम भैया अभी आप कहाँ पे करने वाले हो भैया? हम पिछले ऐसे चारों में लग गया है। हाँ, ये पिछले गेट जो है। हाँ, ये बाकी अंदर बाहर सारे हो रहे हैं डंपिंग, अंदर बाहर हो रहा है। हाँ, तो इसमें करने में क्या लगता है, मतलब ज्यादा मेहनत लगती है, क्या सीन है इसका? देखिए ये जो है ना, पहले हम प्राइमर से साफ करते हैं। हाँ, इसके बाद हम डंपिंग लगाते हैं। तो आपने यहाँ पे प्राइमर वगैरह भी मार लिया है ना? सब मार के, ठीक है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि प्राइमर भैया मार चुके हैं अभी, और देख रहे हो जैसे एक पार्ट में अभी ये पूरा का पूरा जो डैम्पिंग है वो एक पार्ट में हो रही है, ठीक है। कोशिश ये करते हैं भैया कि पूरी की पूरी एक पार्ट में हो, ताकि कट वगैरह अगर ज़्यादा आएंगे तो आवाज़ में दिक्कत होती है, लोग नहीं करते हैं, लोग छोटे छोटे कट में अपना बचा लेते हैं इसको, ये डैम्पिंग होती है इसे बचाते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ में दिक्कत आती है। तो भैया ये काम नहीं करते हैं, भैया ने पहले ही बोला था मुझे, संजय भैया नाम है, ठीक है। तो इन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि अगर ऐसा कुछ भी होता है कि हम कट पीस में इस चीज़ को नहीं लगाते हैं। तो अभी आप जैसे देख रहे हो पूरा का पूरा पीस ही ऐसे ही लग जाएगा, अगर थोड़ा बहुत कुछ ऐसे रहेगा तो वहाँ पर कट यूज़ होगा, जैसे कि ये नीचे वाला सीन है। तो इतने पे थोड़ा सा पीस चेंज होगा, बारह खाएंगे हम तो। हम पूरा का पूरा देखो कैसे भैया कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ भी चेकआउट करनी है, उसके बाद ये चेकआउट करा दूँगा। संजय भैया ने जैसे कि इसमें अभी डैम्पिंग की थी, तो संजय भैया वैसे डैम्पिंग क्यों कराते हैं एक बार आप ये बता दो। डैम्पिंग इसलिए क्या होता है, एक तो आवाज़ साउंड क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो दरवाज़ा नहीं खरकेगी, जैसे गड्ढे वड्ढे में जाते हैं तो दरवाज़ा खरकती है। हाँ, तो दरवाज़ा नहीं खरकेगी, दरवाजे में आवाज़ भी नहीं आएगी। दूसरा एक तरह का बेस भी बना देगा और साउंड अच्छी क्वालिटी अच्छी बनाता है। तो इसके अंदर से जो घटघट वटके की आवाज़ आती है वो सारी आवाज़ नहीं आने वाली लगने के बाद खत्म हो जाती है, ठीक है। तो वही बताना था, एक बार आप चेक करके बताओ दोनों में। ये देखिए भैया, कोई आवाज़ नहीं है इसमें, कोई आवाज़ नहीं है, और इसमें डंपिंग नहीं है, इसकी आवाज़ अलग है। ये बिल्कुल खोखली सी लग रही है और ये अभी दब भी नहीं रही है, इसमें एक तरह से हवा सी होती है ना वो भर गई है, और ये बिल्कुल ये दब भी रही है, ये फील हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल ठोस हो गया, ये बिल्कुल ठोस सा लग रहा है एकदम। तो ये इसमें फ़र्क होता है डंपिंग में। तो जैसे कि अभी इसके अंदर फ्लोरिंग का काम चल रहा है, हमारा नरेश भाई इसके अंदर फ्लोरिंग कर रहा है। नरेश भाई ये फ्लोरिंग क्यों करते हैं भाई? ये कारपेट बच जाते हैं, जैसे पानी अंदर जाते हैं ऊपर ही रह जाते हैं, गीला कपड़ा हमारा साफ हो जाता है, ड्राई क्लीन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ता। अच्छा, ड्राई क्लीन की जरूरत से बच जाते हैं, और दूसरा वो गीला कपड़ा हमारा साफ हो जाता है। हाँ, जैसे कि ये मिट्टी है इसके अंदर, अब इसके अंदर कितना ही कपड़ा मार लो ड्राई क्लीन कराओ लेकिन मिट्टी इसमें रुकी ही जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है इस पर अगर आपकी कोई भी गंदगी होती है, गीला कपड़ा मार के सारी की सारी ड्राई क्लीन कराने की जरूरत नहीं, और ये सारी की सारी आपकी क्लीन ऐसी हो जाएगी। जैसे एक बार लग जाएगा पूरा फ्लोरिंग इसकी लगती है तो मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ। एक बार हमारे ओमी भाई से मिलो। ओमी भाई एक बार इधर देखना, हाय कर दो एक बार। तो ओमी भाई आज हमारे क्या कर रहे हैं? ओमी भाई छत लगा रहे हैं स्विफ्ट की, ठीक है। तो एक बार ओमी भाई का चेकआउट करवा देते हैं कि छत ओमी भाई कैसे लगा रहे हैं, देख लो, ठीक है। भैया ने ये पूरी छत ये ब्लैक की है ना, पहले कैसे कलर की थी ये? पहले लाइट बेज,
अच्छा बस जो वाइट वाइट से आती है कंपनी के साथ वाली जो आती है, तो ये थी अभी भैया इस पर पूरी की पूरी छत फिट कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं, ठीक है। जैसी ये पूरी हो जाती है उसके बाद मैं आपको इसको चेकआउट कराऊंगा कि कैसे कैसे ये दिखेगी, ठीक है। वैसे तो लुक अच्छी ही आएगा इसका, लेकिन अम्मी भाई जो फिटिंग देते हैं बहुत बढ़िया देते हैं इसकी। ऊपर दिखा रहा हूँ आपको किस तरह का इसका लुक लगने वाला है। आपको बोनट इसका अभी खुला हुआ है क्योंकि जो अभी थोड़ा सा इसका एक आध नट वगैरह है वो लगने हैं, साथ साथ इसमें ये वाला जो क्रोम है वो लगा है, ठीक है, ब्लैक वाला। और इस ब्लैक वाले के साथ साथ ब्लैक वाला क्रोम वो चेकआउट कर लो कैसा लग रहा है, ठीक है। बाकी DRL मैंने आपको बता दी थी इसके DRL कैसे लगने वाले हैं, इसके साथ साथ और क्या क्या इसके अंदर काम जो था पेंडिंग वो मैं आपको बता देता हूँ कैसा लग रहा है, क्योंकि पैक हो चुका है सब कुछ। उसके बाद ये ग्रिल इसके अंदर लगी है इसकी जो लुक बढ़ाने के लिए, ठीक है। साथ साथ में इसमें ये वाले इसको क्या बोलते हैं डोर वाइजर होता है ना, डोर वाइजर। और बाकी इसकी जो छत है वो रूफ जो है उसको ब्लैक की गई है, तो एक बार चेकआउट कर लो ऊपर से कैसा एक बार लुक आता है वो एक बार मेरे को बता देना, मैं वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये लुक हो गया इसका, और एक बार मैं आपको गाड़ी के अंदर चेकआउट करा देता हूँ। जैसे कि इसका गेट ये वाला है जो कि पैक हो चुका है पूरा, और इसके अंदर अब कोई भी इस तरह की बजने की साउंड नहीं आ रही, ठीक है। स्पीकर की साउंड में भी आपको चेक कराऊंगा क्योंकि इसमें नॉर्मल स्पीकर लगे हैं, साथ में जो इसका ये RD का हमने बाहर से विंडो पावर अप डाउन का लगा हुआ है, ठीक है। अब ये वहाँ पर काम चल रहा है इसका, तो वही मैं चेकआउट कराता हूँ उसके लिए। और पीछे वाले गेट की तरफ आते हैं, तो पीछे वाले गेट में भी सेम ये चीज़ देख लो आप, चेकआउट कर लो कैसे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ये स्विफ्ट की ब्रांडिंग के साथ रूफ डोर वाइज़र, उसके बाद ये फिर से यहाँ पर भी चारों पावर विंडो थी, ठीक है। जैसे कि अभी पावर विंडो अप डाउन भी हो रही है क्योंकि काम चल रहा है। इसके साथ साथ जो साउंड होगी बता देता हूँ, उसके साथ साथ इसमें सीट कवर का काम हुआ है, तो एक बार देख लो बकेट फिट वाले सीट कवर हैं ये वाले कैसे आपको लग रहे हैं, तो एक बार चेकआउट करा देना, ठीक है। देखो बिल्कुल ब्लैक मैट ब्लैक जिसे बोलते हैं वो वाला ये फिनिशिंग है, और वो वाली ही लुक है इसकी। किस तरह का लग रहा है आप एक बार मुझे चेकआउट करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी, मुझे तो बहुत मतलब मज़ा आ रहा है गाड़ी में। मेरा तो रिकमेंड यही रहता है कि बेस गाड़ी ले और उसको मॉडिफाई करा लें, बट हाँ कुछ फीचर होते हैं बड़ी गाड़ी में लाइक जो ऊपर मॉडल गाड़ी होती है वो फीचर नहीं मिलते, ना वो बाहर से लगाने में जो काम मतलब मज़ा आता वो नहीं आता, बाकी बेस मॉडल में होता है। साथ साथ में नरेश भाई हमारा इसके जो नट है वो कस रहा है अभी, ठीक है। इसके बाद उमी भाई हमारे स्टेयरिंग का कवर अभी बना रहे हैं, तो एक बार उमी भाई के पास भी लेके चलता हूँ मैं थोड़ी देर में। और यहाँ पर इसका एक ट्यूटर जो है वो यहाँ पर प्लेस किया गया है, और आगे वाले में जो ट्यूटर जैसे कि यहाँ पे इसका जो ट्यूटर है वो यहाँ पर प्लेस किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ पीछे की तरफ लेके चलता हूँ, पीछे एक बार ये चेक कर लो ब्लैक, मतलब लुक अलग आ जाती है बंदा अगर इसकी लाइट चेंज ना भी करवाए। जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले वाली वीडियो में तो मिनी कूपर ही लाइट लगी थी, तो हर कोई इस पर इतना स्पेंड नहीं करता, बट यहाँ पर इसकी एक लुक जो होती है वो बदल जाती है, और रेड पे जो ब्लैक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ आपको नीचे की लुक एक बार मैं पूरी चेकआउट करा दूँगा पूरी। यहाँ पे भैया अभी लाल भाई अभी इसको लगा रहे हैं पीछे की तरफ, ठीक है। तो कैसे लगता है एक बार आप लगते हुए भी देख लो, कमेंट करके मुझे एक बार बता देना कि कैसा हो रहा है। सिर्फ ये लुक के लिए होता है और कुछ तो प्रोटेक्ट करता है वैसे होगा थोड़ा बहुत, यहाँ कुछ लग जाए तो एक बार को बचा लिया ना, हाँ टेल लाइट बच जाएगा। चलो एक बार मैं इस तरफ भी दिखा देता हूँ आपको, एक बार मुझे यहाँ से बताओ रूफ देख लो बढ़िया लग रहा है ना एकदम, मतलब यहाँ से ब्लैक है ये ब्लैक, ठीक है, साथ में ये ब्लैक ये हो रखा था और ये हमने कराया, तो मतलब एक लुक जो होता है रेड एंड ब्लैक का वो कॉम्बिनेशन है। बेस मॉडल की गाड़ी आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, और इस साइड भी हमारे जो स्पीकर हैं वो JBL का यहाँ पे लगा है, ठीक है। मैंने आपको बताया नहीं था JBL का था, एक बार इसका बॉक्स भी मैं चेकआउट करा दूँगा कौन सा वाला बॉक्स इसका होने वाला है। साथ में RD चारों गेट में भैया ने लगवाया, और यहाँ पे इसका ट्यूटर माउंट हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर इसका काम चल रहा था, ये इसकी चारों की चारों पावर विंडो, ठीक है, और यहाँ पर इसका जो ट्यूटर माउंट हुआ है वो यहाँ पर हुआ है। ओमी भाई कैसी फिनिशिंग दोगे? बढ़िया दोगे? तो एक बार भैया इसकी फिनिशिंग देंगे जैसी, तभी मैं आपको बताता हूँ दिखाता हूँ किस तरह की फिनिशिंग आपको लग रही है। साथ साथ में एक बार भैया सीट पे बैठे भी हैं, ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको एक बार ये सीट भी बताना मेरे को कि बंदा अगर सीट पे बैठता तो कैसा लगता है, मतलब राजा वाली फीलिंग पूरी आ रही है। बढ़िया, तो ये भी हमारे ओमी भाई ने किया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार
ठीक से चेकआउट करवाया था, बाकी अभी गाड़ी के अंदर बैठ के आपको चेकआउट करा दूंगा। जैसे हमारे उम्मीद भाई का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको गाड़ी इसका जो म्यूज़िक प्लेयर भी इसके अंदर लगा तो वो भी चेकआउट करा दूंगा मैं भी आपको। एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम भाई ने लगवाया है, ठीक है। भाई को कैसा एक्सपीरियंस है वो भी आपसे बात कराऊंगा अभी, तो भाई बता देगा किस तरह का एक्सपीरियंस गाड़ी का भाई को लगा इतना काम कराने के बाद। एक बार मैं आपको DRL चेकआउट करा देता हूँ उसके, ये इंडिकेटर है, ठीक है, देख लो कैसे लग रहे हैं भैया। ओ भाई बंद करना, ये बंद हो गए 11 बज गए, ठीक है। इसके साथ इसके गेट खोल के एक बार साउंड इसकी सुना देता हूँ मैं। तो गाड़ी में जैसे कि सारा का सारा काम हो चुका है अभी, ठीक है। भैया मेरे साथ है जिनकी गाड़ी है, तो भैया गाड़ी का जो अपने सारा काम कराया कैसा लगा आपको? गाड़ी का बहुत मस्त लगा यार काम। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है। जिस तरह से अभी गाड़ी जाने को हो रही है तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो जिससे क्या होगा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और अपना वही रहेगा। तो गाड़ी अभी जाने को है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि गाड़ी का ये लुक हम बना के यहाँ से भेजते हैं। और आपको अगर कोई भी गाड़ी करानी है तो साईं कार एक्सेसरीज़ पे आइए और गाड़ी का आप लुक देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल एक खाली गाड़ी जैसे होता है वो गाड़ी लग के आई थी, और गाड़ी किस तरह से बन के जा रही है ये देख लो, कितनी बढ़िया गाड़ी लग रही है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लुक लग रहा है इस गाड़ी का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और इसी तरीके से जितना भी हो सकता है कैसे भी करके आप शेयर कीजिए, कुछ भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि मैं आपके लिए इस तरह की और भी वीडियो लेके आता रहूँ।